जैन साथियों, मैं आज बात करते हैं अपने फिजिकल के लिए। पीपल्स की मैं फिजिकल कर दिया है पहले। जो भी मेरे भाई फिजिकल में फिट हैं वो तो बहुत खुशी मना रहे हैं कि चलो आज हमारे फिजिकल के नंबर जोड़े जाएंगे। और जो भाई रिटर्न पर नर्वस थे वो कह रहे हैं कि अब तो भाई फिजिकल अगर पीपल्स का पेपर क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में अपन को दौड़ के नंबर लाने पड़ेंगे, गोला फेंक के नंबर लाने पड़ेंगे और लंबी कूद के नंबर, ऊंची लंबी कूद के भी नंबर लाने पड़ेंगे जब भी आप एमपी पुलिस की भर्ती पा सकते हो। और अन्यथा आप अगर रिटर्न में आप अच्छे नंबर ले आए हैं, अगर आप फिजिकल में पास नहीं हो पा रहे हो, अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो आप जॉइनिंग नहीं पा सकते हो। ये क्लियर है, ठीक है। जो भाई मेरे फिजिकल में अच्छे हैं ना, तो वो फिजिकल पे बहुत खुश हो रहे हैं। जो मेरे भाई रिटर्न पे अच्छे हैं वो रिटर्न के लिए खुश हो रहे हैं। अब कंपटीशन दोनों का बराबर आ गया। जैसे कि आर्मी में फिजिकल का नंबर रहते थे ना, ऐसे आप एमपी पुलिस में नंबर कर दिए गए हैं। वो भी नंबर किस प्रकार है कि गोला, अगर आप गोला गोला का वजन कितना रहेगा अपना 7.26 किलोग्राम, ठीक है। ये पुरुषों के लिए रहेगा इस गोले का वजन, और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए वजन रहेगा 4 किलोग्राम, ठीक है। तो अपन को गर्ल्स का भी 4 किलोग्राम रहेगा, और मेरी जो महिलाएं हैं, सिस्टर हैं, वो अगर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप कराए सरकार फिजिकल एकेडमी जोरम, जो कि मध्य प्रदेश में, इधर आ सकती हो आप। इधर हॉस्टल की सुविधा कर दी गई है आपके लिए, और आप आएँ और अच्छे से फिजिकल 100% आपको तैयारी कराई जाएगी। आप फिजिकल में गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि आप फिजिकल में कभी फेल नहीं होगे अगर आपने करे सरकार फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर ली तो, ठीक है। और आपकी 800 मीटर की रनिंग रहेगी उसमें, 800 मीटर की रनिंग रहेगी। तो 800 मीटर की रनिंग किस प्रकार रहेगी, एक एक सेकेंड का नंबर दिया जाएगा, और एक नंबर से लेकर 40 नंबर तक रनिंग पूरा अलग अलग है, और उसको भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अपन को रनिंग करनी है, क्या करना है। 800 मीटर की रनिंग है सेकेंडों में, और लंबी कूद है लॉन्ग जंप मीटर में, गोला फेंक मीटर में। तो अपन को क्या है कि इनकी भी अच्छी तैयारी करनी है। देखो जो भी ये नंबर दिए गए हैं, इधर की साइड नंबर है, अंक है पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए ये अंक है। पुरुषों की बात कर रहे हैं अभी अपन, पुरुषों के लिए अंक है। तो अगर आप एक नंबर आपका आएगा, कब आएगा, 196.4 पल्स से अधिक और 198.3 पल्स तक अगर आप आते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा। यानी कितना, 3 मिनट 16 सेकेंड और 4 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर की तैयारी कब रहेगी आपकी, 3 मिनट और 14 सेकेंड में, 14 सेकेंड 5 पल्स में अगर आप आते हो तो आपके 2 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 3 मिनट 12 सेकेंड में आते हो, यानी 192.6 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको 3 नंबर मिले। यानी 3 मिनट 12 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। भाई फेल तो कोई भी नहीं होगा, समझ लो ना। अगर आप दौड़ोगे तो 3 मिनट 12 सेकंड में आराम से लेंगे, पर नंबर कम महत्व है इधर। क्या है, अगर आपको नंबर पाने, 3 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। अगर 4 नंबर अगर आपको लेने हैं तो 3 सेकेंड 3 मिनट 10 सेकेंड 7 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे वो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको 5 नंबर लेने हैं फिजिकल रनिंग में, अगर 5 नंबर अपन को लेने हैं तो 3 मिनट 18 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक अगर आप आओगे, 3 मिनट 18 सेकेंड से लेकर 3 मिनट 20 सेकंड तक आओगे तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे फिजिकल के लिए। अभी अपन रनिंग की बात कर रहे हैं सभी। उसके बाद में 7 नंबर आपको कब मिलेंगे, 185 सेकंड में अगर आप आ जाओगे, 185 से 186.9 पल्स तक अगर आप आ जाओगे तो आपको कितना, 9 नंबर
नौ नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। कितना हुआ ये, हाँ 3 मिनट 1 सेकंड में आ जाओगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में 10 नंबर की तैयारी कैसे रहेगी, 2 मिनट 59 सेकंड में अगर आप आ जाओगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर की तैयारी कब रहेगी, अब 177.4 सेकंड पल्स में अगर आप आया हो तो आपको 11 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर कब मिलेंगे, 175.5 सेकंड में अगर आप आ जाओगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद 13 नंबर अपन को मिलेंगे 173.6 से अगर आप जाते हो, 175.5 सेकंड तक आप जाते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 14 नंबर कब मिलेंगे, 171.7 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 14 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 15 नंबर मिलेंगे 169.8 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे फिजिकल, यानी रनिंग के फिजिकल के लिए। 16 नंबर 16 नंबर आपको मिलेंगे 167.9 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। और 17 नंबर मिलेंगे 166 सेकंड में अगर आप आते हो तो आपको 17 नंबर मिलेंगे। और 18 नंबर कब मिलेंगे, 64 में अगर आप आते हो 0.1 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको 18 नंबर मिलेंगे फिजिकल की रनिंग के। 19 नंबर मिलेंगे 19 नंबर मिलेंगे आपको ए वन यानी 162 पल्स में अगर आप आओगे सेकंड्स में तो आपको 19 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 160.3 पल्स में अगर आप आ रहे हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। कितना हुआ, 160 में आपको 20 नंबर मिलेंगे। और 21 नंबर कब आएंगे आपको, 158.4 पल्स में अगर आप आ रहे हो तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। अगर आप 22 नंबर आए 156.5 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको 22 नंबर मिलेंगे। 23 नंबर आपको कब मिलेंगे, 154.4 पल्स में अगर आप आते हो आपको 23 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 152 यानी 24 नंबर अपन को 152 सेकंड 7 पल्स में अगर आप आते हो तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। भाई वो एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर जितनी आप में जान रहेगी इतना फिजिकल में आप जान लगा सकोगे उतने नंबर फिजिकल में पा सकोगे। तो फिजिकल को आपको फिट करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल तो आपके लिए बिल्कुल सही बोल रहा मैं। अगर आपने फिजिकल फिट नहीं किया, अगर आप फिजिकल में फिट नहीं हो पाए तो आप फिजिकल के एक एक सेकंड से अपने नंबर को खो देंगे। एकेडमी बहुत सारी चल रही है, आप करें सरकार फिजिकल एकेडमी में आइए, आपको एक एक सेकंड का एक एक नंबर दिया जाएगा। इधर एक एक डेटा अच्छी से फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी, वो आप अच्छे से तैयारी कर सकते। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो करें सरकार फिजिकल एकेडमी की लाइब्रेरी भी चल रही है, आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। एक एक सेकेंड का इसमें नंबर है। और उसके बाद में अगर आपको 40 नंबर पाने भाई, ये 40 नंबर का लोचा, 40 नंबर ये इस पर ये टारगेट बना लो, ये 40 नंबर का टारगेट 126.1 पल्स में अगर आप आते हो तो 40 नंबर आप बिल्कुल मिलेंगे, वो भी 2 मिनट 6 सेकंड में अगर आप आते हो। 2 मिनट 6 सेकंड में भाई आर्मी जैसी रनिंग हो गई, कदर हो रहे हो आप। पर 40 नंबर पाने हैं ना तो अच्छे से रनिंग की तैयारी कर लेना, क्यों आर्मी का जैसा फिजिकल होता है कि उसमें 60 की 48 की रनिंग है तो उसमें फिजिकल के नंबर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 40 नंबर की रनिंग निकालनी है, 40 नंबर पाने हैं फिजिकल में, तो 2 मिनट 6 सेकंड में आपको निकालनी पड़ेगी, जब भी आपको पूरा नंबर मिलेंगे।
अगर आप 39 नंबर पाते हो तो 2 मिनट, अगर 39 नंबर पाते हो 2 मिनट यानी 124 सेकंड में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रही फिजिकल की बात, रनिंग के लिए गोला गोला फेंक, लंबी कुंड, लंबी कुंड मीटर में है। तो अगर आप रनिंग गोला फेंक लंबी कुंड कब कर पाओगे, जब आप में अच्छी फुर्ती रहेगी, स्टेमिना रहेगी, तो लंबी कुंड आपको अच्छे से निकाल पाओगे। गोला फेंक है, अगर आपके भुजाओं में अच्छा दम आ जाएगा तो आप गोला अच्छे से फेंक सकते हो। जो भी मेरा भाई MP पुलिस का सपना दिख रहा है, अगर वो फिजिकल में फिट होना चाह रहा है तो करे सरकार फिजिकल एकेडमी में आ सकते हो भाई। वो आपको 100% गारंटी के साथ आपको फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी। आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से इधर पर डे टू पर डे वर्कआउट चलता है। और अगर कोई लड़का किसी भी चीज़ में अगर वो फिजिकल नहीं निकाल पाता है, अगर किसी प्रॉब्लम आती है तो उसे सारी समस्याओं का सोल्यूशन इधर निकाला जाता है। आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ कि आपको भाई अच्छे से अच्छे फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी। और जैसा कि आप हर भर्ती में देख रहे हैं, मेरा बंदा अच्छे से अच्छे जॉइनिंग पा रहा है, हर भर्ती में मेरा लड़के मेरे क्लब से यानी मेरी एकेडमी से जा रहे हैं। तो सभी भाइयों से इतना ही कहूँगा कि अगर आपको MP पुलिस में 100 नंबर का फिजिकल मारना है तो आप करें सरकार फिजिकल एकेडमी में आए, और इधर आपको 100% गारंटी के साथ फिजिकल की मैं आपको तैयारी कराऊंगा, आपको वर्कआउट दूंगा, और आप फिजिकल मारोगे आप जितना। मैं आपको जैन YouTube चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।